कुछ ही समय पहले नासा ने यह दावा किया था कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं, लेकिन क्या सच में वो समय आ गया है जब एलियंस हमारी पृथ्वी पर कदम रखेंगे? क्या इसी साल एलियंस के यूएफओ पृथ्वी पर उतरने वाले हैं? जी हाँ, अमेरिका का कुछ ऐसा ही कहना है। और तो और, उनका दावा है कि अंतरिक्ष में मौजूद एक आधुनिक सभ्यता को हमारी मौजूदगी का पता चल चुका है। नासा ने रशिया को कहा है कि एलियंस के यूएफओ सबसे पहले आप ही की धरती पर उतरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। नासा का यह मानना है कि बार बार अंतरिक्ष में छोड़े गए रेडियो सिग्नल्स का यह नतीजा हुआ है कि एलियंस को हमारी मौजूदगी का पता लग चुका है और जल्द ही वो यहां आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ महीनों पहले रशिया और अमेरिका के बीच हुए एक सीक्रेट मीटिंग में अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट को चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस सबसे पहले आपकी धरती पर आएंगे, और इसी मीटिंग के दौरान एलियंस से निपटने के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की भी बात हुई। नासा ने एलियंस के आने की बात को और भी मजबूत कर दिया जब उसने एक अनजान वस्तु को पृथ्वी की ओर आते दिखाई देने वाले वीडियो को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस वीडियो में आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ अजीब सी वस्तु, शायद यूएफओ, हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का हमेशा से ही यह कहना है कि हमें अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि इस सिग्नल से एलियन को हमारे ग्रह का पता चल सकता है, और यह कौन जानता है कि वो किस स्वभाव के होंगे। एलियन के आगमन की इस खबर से कुछ लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और कुछ लोग काफ़ी डरे हुए हैं। नासा का तो यही मानना है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब एलियंस और इंसान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। दोस्तों, आप एलियंस की आने की खबर से एक्साइटेड हैं या आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।